सेलिब्रेशन टीवी, इवेंट्स ऑफ अ लाइफ। गुजरे चुनावों में फजीहत देखने के बाद सपा हाईकमान ने सपा शहर नेतृत्व की कमान एक बार फिर से चौधरी बाजिद निसार के हाथों सौंपी है। रईसुद्दीन को हटाकर बाजिद निसार में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा जताया है। सपा पार्टी कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने नए महानगर अध्यक्ष का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता फतेहाबाद रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर इकट्ठे हुए और नवनियुक्त अध्यक्ष को फूल मालाओं से लादकर उनके नेतृत्व में एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। आइए दिखाते हैं सपा पार्टी कार्यालय का नजारा, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह अपने चरम पर था। सपा महानगर अध्यक्ष चौधरी बाजिद निसार के नेतृत्व को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी हाईकमान के फैसले को उचित बताया और उम्मीद जताई कि आने वाले लोकसभा चुनाव में चौधरी बाजिद निसार के नेतृत्व में पार्टी की उपस्थिति दमदार होगी। श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, श्री अखिलेश भैया को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को आगरा शहर की कमान देने का कार्य किया है। निश्चित तौर पर जब उन्होंने पहले वो शहर अध्यक्ष थे, एक यूथ में एक बहुत उत्साह देखने को मिलता था, यूथ उनसे जुड़ने का काम करता था। उन्होंने हर व्यक्ति को कोई जातवाद से परे हर व्यक्ति के साथ में खड़े होने का कार्य, उनके दर्द में उनके साथ में खड़े होने का कार्य उन्होंने किया। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी एक शहर में एक ऐसे व्यक्ति को कमान दी है। आज शहर का योगदान सकते हैं पार्टी कार्यालय के ऊपर, एक युवा में बहुत उत्साह है। और साल जो हमारा विपक्ष है, हमारा विपक्ष कान जो विपक्ष है, पूरा समाजवादी पार्टी का एक नौजवान कंधे से कंधा मिलाकर चौधरी बाजिद निसार साहब के साथ संघर्ष कर। देखिए, हम धन्यवाद कर रहे हैं आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने एक बार ये फिर दोबारा बाजिद निसार जी को जो अध्यक्ष बनाया है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से प्यार हो रहा, सुबह 9 बजे से लेकर यहाँ कार्यकर्ताओं का हजूम है। निश्चित ही बाजिद निसार के लिए समूह जितने भी कार्यकर्ता बुजुर्ग हो, चाहे किसी भी यूथ का हो, चाहे महिला संगठन हो, सभी बाजिद निसार और अखिलेश यादव जी के नारे लगा रहे हैं। निश्चित ही पार्टी में धोने का काम करेगी। देखिए, सबसे पहले मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में चौधरी बाजिद निसार जी को पुनः द्वारा महानगर अध्यक्ष बनाया है। आज जिस तरीके से आप देख रहे हो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, पूरे आगरा शहर का जो कार्यकर्ता घर बैठा हुआ था, वो आज उम्र उड़ के आज कार्यालय शहर पर आने का काम किया है। राष्ट्रीय नेतृत्व का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मेरा ये मानना है कि निश्चित ही समाजवादी पार्टी एक नए क्लेवर के रूप में चौधरी बाजिद निसार जी के नेतृत्व में आपको को मिलेगी। चाहे वो विपक्ष की लड़ाई हो, चाहे वो गरीब कार्यकर्ताओं की लड़ाई हो, चाहे वो असहाय लोगों की लड़ाई हो, चाहे वो जितने भी धरना प्रदर्शन के माध्यम से करने का काम करेंगे, निश्चित समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। ऐसा है, सबसे पहले मैं माने अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूँ, हमारे शहर के चौधरी बाजिद निसार जी को शहर की कमान देकर 2019 की तैयारी का संकेत दिया और उन्होंने संकेत दिया है पुलिस, मतलब समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता का अब उत्पीड़न नहीं होगा, मतलब जनता द्वारा, मतलब पुलिस द्वारा जो परेशान किया जाएगा पब्लिक को, उनको भी कम मतलब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल मजबूत हो रहा। आप देख रहे हो इस मतलब हालात को, मतलब एक उत्साह है, मेला सा लग रहा है कम कार्यालय पर, तुम इस चीज़ को देख रहे हो, मतलब कार्यकर्ता को महसूस हो रहा है। बाकी में आज मतलब समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, मतलब जिस बाजिद निसार जी को कमान दे जी का मैं धन्यवाद देता हूँ बहुत। अखिलेश भाई का फिर दोबारा एक अच्छा निर्णय है, उनके चहेते चौधरी बाजिद निसार को पुनः आगरा की अध्यक्ष पद दी है, जिससे कि विपक्ष में और समाजवादी पार्टी आगरा में मौजूद होगी और उसको मौजूद करने का अध्यक्ष चौधरी बाजिद निसार जी काम करेंगे। आज आगरा वासियों के लिए ये बहुत शुभ दिन है और बहुत अच्छा हम लोग फील कर रहे हैं। तो सुना आपने, शहर पार्टी के कार्यकर्ता और नेता नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष चौधरी बाजिद निसार को लेकर उत्साह से लवरेज हैं। वहीं उन्हें भविष्य में महानगर में सांगठनिक ढांचे की मजबूती की भी एक आस बंधी है। नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष चौधरी बाजिद निसार ने भी पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा करते हुए सभी को एकजुटता के साथ लेकर चलने की बात कही। मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास करने का काम किया, ये जिम्मेदारी देने का काम किया। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने नेता, अपने महबूब नेता के विश्वास को कायम रखूं और सच्ची और ईमानदारी लगन से अपने एक एक कार्यकर्ता को साथ लेकर
जहाँ पर बूथ से लेकर और वार्ड तक पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम करूं, जिससे आने वाले लोकसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी इस सीट को जीतकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिफ्ट में देने का काम करे, जिससे उन्हें ये एहसास हो कि जो निर्णय आगरा के लिए उन्होंने लिया था वो गलत नहीं लिया था। इसके लिए हम खून पसीना एक करके पार्टी को मजबूत करने का काम करें। बिल्कुल बनाई जाएगी, हर तरीके से बनाई जाएगी। एक एक वार्ड पर पार्टी को मजबूत किया जाएगा, एक एक बूथ को मजबूत किया जाएगा, संगठन अच्छा बनाया जाएगा, यूथ विंग अच्छी बनाई जाएगी। सभी वरिष्ठ नेताओं को विश्वास में लेके एकजुट होकर मैं समझता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, जो ताकत जो हिम्मत समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में है, जो जनता के काम कराने की ताकत समाजवादी पार्टी के नेताओं में है, वो अन्य दल हिंदुस्तान में कोई दल ऐसा नहीं जिसके पास इतने जाबाज कार्यकर्ता हों। मुझे पूरा विश्वास है समाजवादी पार्टी अगर जो एकजुट हो जाएगी, एक मन से एक लगन से अगर जो ठान लेगी, तो समाजवादियों के सामने टिकने की हिम्मत मैं समझता हूँ किसी पार्टी के अंदर नहीं। देखिए, जो हो गया हमें उन्हें याद नहीं करना, हमें आगे की लकीर खींचनी है, हमें आगे की रणनीति बनानी है, हमें आगे के इलेक्शन लड़ने हैं, आगे का संगठन बनाना है, आगे के भविष्य के बारे में सोचकर आगरे की जनमानस की समस्याओं को लेकर रोड पर उतरना है, चाहे अपराध बढ़ता अपराध हो, चाहे विकास के नाम पे छल हो। ये सरकार झूठ का पुलिंदा है। अभी तक जो इन्होंने वादे किए उनमें से एक भी वादा जनता का इन्होंने पूरा नहीं किया। आज भी लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं, दिन दहाड़े लूट हो रही है, गंदगी सड़कों पर भरी पड़ी है, बिजली के अनाप शनाप बिल पब्लिक के घरों पर पहुँचाए जा रहे हैं, जनता बड़ा बदबूदार पानी जनता पीने के लिए मजबूर है। इन सब चीज़ों को लेकर हम जनता जनमानस की मांगों को लेकर प्रशासन से बात करने का काम करेंगे, जनता के काम कराने का काम करेंगे, जनता का विश्वास जीतने का काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर जो हम अपनी कोशिशों में कामयाब होते हैं, हम इन समस्याओं को लेकर जनता की परेशानियों को दूर कराने में ताकत रखते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि आगरा की जनता एक बार फिर हम पर विश्वास करेगी और लोकसभा में हमें कामयाबी दिलाने का। जहाँ तक नगर निगम चुनाव पूर्व संगठन का मसला है, वो कल की बात हो गई। खैर, 100 वार्ड है तो कहीं वो देखते थे, कहीं हम देखते थे। हम दोनों एक जगह होते तो दूसरी जगह खाली हो जाती, तो इस वजह से हमारी ये रणनीति थी कि मैं जहाँ पहुँचूँ तो वो दूसरी जगह पहुँच जाए, वो दूसरी जगह पहुँच जाए तो मैं। बहरहाल, महानगर में पार्टी की मौजूदा परिस्थिति और अंदरूनी बिखराव को संगठित कर उससे आगे बढ़ना नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष चौधरी बाजिद निसार के लिए एक चुनौतीपूर्ण सफर हो सकता है। ऐसे में आगे ये देखने वाली बात होगी कि उनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रस्तुति कितनी बेहतर हो सकेगी। सेलिब्रेशन टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप वर्मा के साथ देवेश दीक्षित। Celebration TV, Events of a Life.